नमस्कार दोस्तों, मैं जीवराज बेरवा, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में अपन जानेंगे कि जैसे जेड सीरीज के अंदर आपने भी देखा होगा या सुना होगा कहीं कि जेड सीरीज के अंदर अपन ऑटो फोकस को, जो ऑटो फोकस की जो स्पीड होती है या ऑटो फोकस की जो सेंसिटिविटी होती है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। कि आपको ऑटो फोकस जो है एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में जब शिफ्टिंग हो, जो फोकस जब आपका शिफ्टिंग होता है, तो उसमें आप स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो, उसकी सेंसिटिविटी को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि आप, जैसे कि मेरे इस वीडियो में देख रहे हैं कि सामने आपको एक गुड्डा दिख रहा होगा, है ना, और पीछे इसके फ्लावर्स पड़े हैं। तो अब ये इस जो गुड्डा है, इससे इस फ्लावर्स पे जो मेरा फोकस जाएगा तो बिल्कुल स्लोली जाए, ठीक है। तो अब मैं आपको एक तो मतलब आपका ऑटो फोकस स्पीड को जो है बिल्कुल स्लोली करके, मतलब स्लो करके दिखाऊंगा कि बिल्कुल स्लोली से कैसे लिखाना है, और एक में आपको बिल्कुल फास्ट तरीके से कि एकदम से इसको फोकस किया फिर उस पर गया। तो दोनों तरीके से मैं आपको कोशिश करूंगा दिखाने के लिए। और ये जो सेटिंग है, आप कस्टम सेटिंग मेन्यू में जाओगे, जैसे आपके पास जेड 50 हो, जेड 6 हो, जेड 6 सेकेंड हो, जेड 6 7 हो, जेड 6 7 सेकेंड हो, जेड 5 हो, इन सब में मतलब ये आपका जो सिस्टम है, या डी 780 हो, उसमें भी आप अगर आप वीडियो बनाते हैं तो उसमें भी ये ऑप्शन मिल जाता है। ये ऑप्शन आपका कस्टम सेटिंग मेन्यू में जाओगे, ऑटो फोकस में जब आप जाते हो तो ऑटो फोकस स्पीड और ऑटो फोकस सेंसिटिविटी, इन दोनों को आप जैसे स्पीड में जाके इसको स्लो कर दोगे या सेंसिटिविटी में जाके आप स्लो कर दोगे, ठीक है। स्पीड को अगर कंट्रोल करना है तो आप स्लो या फास्ट कर सकते हो, सेंसिटिविटी को कंट्रोल करना है तो आप उसमें भी स्लो या फास्ट कर सकते हो। तो इसमें आपका ऑप्शन मिल जाता है। चलो इसमें करके दिखाता हूँ। जैसे ये जो गुड्डा पड़ा है सामने, इस पर मेरा जो फोकस है, अब मैं अगर आपको फोकस शिफ्ट करके दिखाऊँ पीछे जो फ्लावर्स है उस पर, ये देखिए बिल्कुल स्लोली, पता ही नहीं चलेगा कि मेरा फोकस कब मतलब उस पर गया और कब अब वापिस इस पर। ये देखिए वापिस फ्लावर्स पे, ये देखिए, और वापिस इस पर गुड्डे पे, और वापिस इस पे। अब देखिए कितना प्यारा सा, मतलब आपको ऐसा इफेक्ट आएगा कि मतलब आप बिल्कुल सिनेमेटिक में जब देखते हो ना फिल्म वगैरह में, सेम वैसा का वैसा। मतलब इसमें आपको ऑप्शन है कि स्लो फास्ट कितने तक का, मतलब आप इसमें भी आपको आप जैसा आप चाहो वैसा आप कंट्रोल कर सकते हो, स्पीड सेंसिटिविटी दोनों। जैसा कि आप देख पा रहे हो मेरे वीडियो में, देखिए बिल्कुल स्लोली चल रहा है, बिल्कुल स्लोली, ये देखिए। ये देखिए, जैसे पिछले वीडियो में आपने देखा था कि ये देखिए आपका जो फोकस है बिल्कुल स्लोली मतलब फोकस कर रहा था, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में जब आप फोकस आपका शिफ्ट हो रहा था तो बिल्कुल स्लोली हो रहा था। अब इसमें अपन जानेंगे, मैंने फोकस सेंसिटिविटी को भी फास्ट कर दिया और फोकस जो स्पीड है उसको भी फास्ट कर दिया। अब कैसे करता है देखिए, ये मैंने फ्लावर्स पे गया, ये बिल्कुल ये गया एकदम से, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, बिल्कुल फास्ट तरीके से, जैसा आप चाहो वैसा। जैसे मैंने इसमें फास्ट किया ये, ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको बिल्कुल समझाने की मतलब पूरी पूरी कोशिश करी है, आपको मतलब ये इफ़ेक्ट दिखा होगा, ठीक है दोस्तों। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, और लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।